नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 में आपका 11.1 11.1 में बेसिकली हम बात करेंगे समानुपात के बारे में, समानुपात पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उसको कैसे जांचा जाता है कि वह समानुपात में है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए, एक टेबल दिया हुआ है, इसको टेस्ट करना है कि समानुपात में है या नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, x और ये x का मान दे रखा है, ये y का मान, तो x बाई वाई करेंगे 3/12, 3 × 3 = 12, 6/24, 6 × 6 = 24, 15/45, 15 × 3 = 45, 1/3, 20/60, 20 × 3 = 60, 1/3, 30/120, तो इसको कटाएंगे तो 1/4। आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रहा है, फिर ये इसके बराबर है, मतलब बराबर नहीं है, सगर एक जैसा नहीं है, समझ रहे हैं ना, सब एक वैरायटी के नहीं है। अगर 1/4 है तो सबको एक वैरायटी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स बाई वाई का अनुपात समान नहीं है, माने एक जैसे नहीं है, इसलिए समानुपात में नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि जब एक्स बटा वाई का मान यदि अगर बराबर नहीं होता है, बराबर है ना, बराबर नहीं होगा तो वह समानुपात में नहीं होगा, अगर बराबर आएगा तो समानुपात में होगा। ये कंसेप्ट याद रखना है। आइए इस पर एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। यदि 15 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 हो तो 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो ये छोटा क्लास में बन जाएगा एकक मेथड पर, लेकिन हम लोग इस समानुपात का प्रयोग करके इसको बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा लिख लेंगे यहाँ पे, हम मीटर में लिख लेंगे, मूल्य वहाँ पे रुपए में लिख लेंगे। 15 मीटर कपड़े का दाम जो है 337.50 है, तो 60 मीटर का पूछ रहा है तो मान लेंगे x। अब इसको क्या करेंगे, इसका अनुपात और इसका ही अनुपात दोनों को बराबर कर देंगे। और बराबर करेंगे क्योंकि समानुपात में है, समानुपात में है तो हमको ये बात पहले से पता है कि अनुपात बराबर आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि बराबर है, समानुपात में है, और समानुपात में है तो बराबर तो होगा ही। तो ये 15/60 यानी कि 15 × 60 1/4, और इसको ऐसे रखना, तिरछा तिरछे गुणा करना है, तो x हो जाएगा, इसको 4 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपको 1300। यहाँ पे देखिए 1350/00 और सॉरी 1350/20 और है तो 0.2 अंक बाद लगा दीजिएगा, तो इसका फाइनल आंसर 1350 रुपये आएगा। तो इस तरह से 60 मीटर कपड़े का दाम जो है 1350 रुपये होगा। मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।